यूपी की जनता को हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। हर जाति हर मजहब के लोगों को तरक्की से जोड़ने का काम किया अहमदाबाद ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी और योगी जी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम योजनाओं का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के आज पासवानदा समाज को मिल रहा है, यकीनन इससे पहले किसी भी सरकार ने पासवानदा समाज के उत्थान के लिए कोई भी काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद जी हैं, ज्यादा बातचीत के लिए। सर, जिस तरीके से घोसी उपचुनाव हो रहा है जहाँ पे बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है और जिस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, घोसी का उपचुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, वहाँ हमारे प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी वहाँ पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि घोसी की जनता को हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा है। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था, उस पर हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से काम किया, हर जाति धर्म मजहब के लोगों को तरक्की से जोड़ने का काम किया और मऊ और घोसी के तरक्की के लिए जिस तरीके से वहाँ पर लगातार हमारे सरकार द्वारा काम हो रहा है, उससे एक जनता के दिल में विश्वास है। उसी विश्वास के बल पे हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सपा अल्पसंख्यक विभाग की बैठक कराते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि पसमानदा समाज जो है वो पूरी तरीके से सपा के साथ है और लगातार आप लोग बल दे रहे हैं पसमानदा समाज को लेकर। क्या लगता है घोसी उपचुनाव में पसमानदा समाज बीजेपी के साथ रहेगा? सर देखिए, आज हमारे देश का मुसलमान और खासतौर पर पसमानदा वर्ग ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी और योगी जी के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम योजनाओं का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के आज पासवानदा समाज को मिल रहा है, यकीनन इससे पहले किसी भी सरकार ने पासवानदा समाज के उत्थान के लिए कोई भी काम नहीं किया। आज मोदी जी और योगी जी के रूप में पासवानदाओं को एक ऐसा नेता मिला है जो बिना वोट बैंक के चश्मे से पासवानदा समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। धन्यवाद। जी, तो मेरे साथ दानिश आजाद जी जो कह रहे थे कि पसमानदा समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले दिनों में जब घोसी उपचुनाव होगा तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, दलीडर, हिंदी।